तो जी फ्रेंड सालार को ले डूबी उसकी जल्दबाजी में गाड़ी चला रहा था, जबकि रास्ते में उसने आगे देखा कि नाकाबंदी हुई है, तो नाकाबंदी वाले उसके पीछे लग जाते हैं क्योंकि वो सब नाके लगाए होते हैं वदीमा के वालिद ने, तो वो उस लड़के को पहचान के उसके पीछे लग जाते हैं। तो सालार गाड़ी बड़ी तेज़ी से भगाता है और गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट। तो उस एक्सीडेंट की सूरत में सालार गाड़ी को छोड़ के भाग जाता है, जिसमें पुलिस वाले गाड़ी तो जब्त कर लेते हैं मगर वो सालार उनके हाथों नहीं लगता। तो वो सालार को ढूंढते हैं मगर उनको नहीं मिलता। सालार एक ऑटो रिक्शे में बैठता है और जा रहा होता है, और जो उसका एक दोस्त लॉयर है या जो भी है, वो शख्स भी मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो उन लड़कियों को अगवा करने की कोशिश में लगा हुआ है। मुझे मेरे ख्याल में वो आदमी जो है ना कोई ब्लैक मतलब के बिजनेस करता है। तो खैर वो लड़कियां तो उनके हाथों नहीं लगती, सालार प्लान चेंज कर देता है और इतनी देर में बेहोश हो जाता है। तो ऑटो वाला उसको अपना हॉस्पिटल में छोड़कर खुद चला जाता है। तो उसका जो वालिद है वो सारी रात और दिन सड़कों पे ख्वार होता फिर रहा, कभी कहाँ पे, मगर उसको ना तो वदीमा मिलती है और ना ही सालार मिलता है। और ऊपर से वो पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है कि मेरी बेटी को अगर कुछ हो गया, मेरी बेटी से उसने ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा लिया, तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मामला काफ़ी संगीन हो चुका है, समझ से बाहर है। पहले ही भला तुम इज्जत से उसकी शादी जो है सालार से करवा दो, वो तुमने किया नहीं, तो अब उसे समझ नहीं आ रही कि उसे करना क्या है। तो ड्रामे का नाम है तेरी छाँव में, हम टीवी के ऊपर ये ऑन एयर है, 7वां एपिसोड है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और शुक्रगुजार हूँ कि आपने अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।